दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो हम लोग उससे डर कर, खौफ खाकर बैठ जाते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि अगर आपका एक प्रयास पूरे दिल से किया जाता है, अगर आपकी निष्ठा सही होती है, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। बस आपसे छोटा सा निवेदन है कि कहानी को आखिरी तक सुनना, बीच में छोड़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत समय पहले किसी नगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उसमें एक शेर रहता था जिसने सालों से उस जगह में आतंक मचा रखा था। वो शेर बहुत खूंखार था, जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। न जाने कितने जानवरों और लोगों को उस शेर ने अपना भोजन बनाया होगा। सभी नगर के लोग उस तरफ जाने से बहुत डरते थे। सबके अंदर शेर का बहुत अधिक डर बैठा हुआ था। उस रास्ते पे जल्दी से कोई जाने का साहस भी नहीं करता था। सभी लोग जो भी उस जंगल के आसपास रहा करते थे, सभी उस शेर से डरे हुए थे। कुछ समय बाद उस शेर का आतंक और ज्यादा बढ़ गया और उसने और भी अधिक तबाही मचा दी। एक दिन एक महात्मा उस नगर के मार्ग से होते हुए यात्रा पर जा रहे थे। कुछ दिन विश्राम के लिए वो उस मार्ग में रुक जाते। महात्मा ने देखा कि उस नगर के लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। तब उन्होंने उस नगर के एक व्यक्ति से पूछ ही लिया कि यहां कोई रहता है या नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है। तब वो व्यक्ति उस शेर के बारे में उस महात्मा को बताता है कि कैसे उस एक शेर ने पूरे के पूरे नगर में आतंक मचा रखा है। उन लोगों की इस हालत को देखकर महात्मा को सबकी दशा पर बहुत दया आती है और तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। और आखिर में उन महात्मा ने उस भयानक शेर का सामना करने की ठानी और फिर वो उस जंगल में जाने को तैयार हो गए। जब ये बात उस नगर के लोगों को पता चली कि वो महात्मा उस जंगल की तरफ जा रहे हैं, तब उनके पीछे स्त्री और पुरुषों की बहुत भीड़ थी। सब डर रहे थे कि कहीं वो खूंखार जानवर उन्हें हानि ना पहुंचा दे, कोई बात ना बन जाए। लेकिन उन महात्मा ने ठान लिया कि वो जाकर रहेंगे। जैसे ही वो महात्मा जंगल के समीप पहुंचते हैं, वैसे ही शेर को उनकी आहट सुनाई दे जाती है और तब उस शेर ने उनकी तरफ रुक किया और उनकी ओर लपक कर पहुंच जाता है और उनकी तरफ देखकर घुर्राने लगता है। तब वो महात्मा उस शेर की तरफ देखते हैं और उसकी ओर एक शांतिपूर्वक ऐसा संकेत देते हैं कि शेर ठंडा होकर महात्मा के पैरों के पास आकर बैठ जाता है, जैसे कोई भेड़ का बच्चा हो। वो शेर
एकदम से शांत हो जाता है। तब महात्मा उसके पास नीचे बैठ जाते हैं और उस शेर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, तुमने इस नगर की क्या हालत कर दी है, कितनी हानि इस नगर को पहुंचा दी है और बहुत उत्पात किया है, जिस कारण सबको परेशानी हुई है। इस वजह से तुम बाकी अपराधियों की तरह दंड के पात्र हो, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अब तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ, तुमने बहुत तबाही मचा ली। वैसे भी इस नगर के लोग तुमसे बहुत अधिक घृणा करते हैं, लेकिन यदि तुम इस नगर में रहने वाले मेरे मित्रों के बीच मैत्री स्थापित हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। महात्मा की यह बात सुन शेर तुरंत अपना सिर झुका लेता है और पूंछ हिलाने लगता है। तब इस पर महात्मा ने कहा कि देखो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि तुम इन नगर के सभी लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहना स्वीकार कर लेते हो तो ये नगरवासी भी तुम्हें बख्श देंगे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब तुम इन्हें किसी भी प्रकार की अब से कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, तो तब ये भी तुम्हारे साथ बेहद अच्छा बर्ताव करेंगे और साथ ही तुम्हारे लिए खाने की भी व्यवस्था कर देंगे। इस पर शेर ने अपना सिर पूरी तरह झुका दिया और महात्मा के हाथ पर अपना पंजा रख दिया। महात्मा समझ जाते हैं कि शेर उनकी बात को समझ गया है और तब वो शेर को नगर के बीच लेकर जाते हैं। सभी लोग वहां एकत्र होते हैं। तब वो महात्मा सबसे कहते हैं कि अब ये शेर किसी को भी कोई भी हानि नहीं देगा और आप भी इसके साथ ठीक से बर्ताव करेंगे। और तब महात्मा ने सबके सामने सारी बातों को दोहराया जो उनके और शेर के बीच जंगल में हुई थी, और तब शेर ने भी पहले की तरह ही महात्मा के हाथ पर हाथ रख दिया और सहमति जता दी। और तब से लेकर 5 साल तक वो शेर उसी जंगल में रहता है और महात्मा के कहे अनुसार किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, और उन लोगों ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार रखा। कुछ सालों बाद जब उस शेर की मृत्यु हो गई तब उस नगर के लोगों को उसके जाने का बहुत दुख हुआ था, क्योंकि इतने सालों में अब उस शेर ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि सबकी रक्षा किया करता था। लेकिन इन सब में वो लोग ये सोचकर इतने हैरान थे कि ऐसे खूंखार जानवर ने अपनी प्रवृत्ति किस तरह से बदल ली। ऐसा उस महात्मा और उसके बीच क्या हुआ था जिसने उसे इतना बदल दिया, सब सोचते रहे। लेकिन जो नहीं सोचा वो ये था कि उसके अंदर एक चीज थी जिसने उसे पूरा बदल दिया, वो था उसके भीतर उन महात्मा का दिया हुआ प्रेम। ये महात्मा का प्रेम ही था जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से
हम यही सीख सकते हैं कि यदि हमारा स्वयं का स्वभाव अच्छा है तो हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें सदा ही हर संभव प्रयास करने की, जिसमें हम दूसरों को अच्छा ज्ञान दे सकें, चाहे वो कितनी भी बुरी प्रवृत्ति का क्यों ना हो। हम अपनी अच्छाई से कभी ना कभी उसे बदल देंगे, बिल्कुल उन महात्मा की भांति जिन्होंने अपने प्रेम से उस शेर के भीतर इतनी मिठास घोल दी कि वो आसानी से उनकी बातों को समझ गया। यदि वो ये खतरा उठाकर ये काम नहीं करते तो शायद वो नगर इस शेर के खौफ से कभी बाहर नहीं आ पाता। लेकिन महात्मा के एक प्रयास ने उनकी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। इसलिए कहा भी जाता है कि हमारा एक प्रयत्न हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, यदि प्रयास दिल से किया गया हो तो। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। धन्यवाद।